पापा चाय पत्ती नहीं मिल रही, पता नहीं माँ ने कहाँ रख दी है। अरे ये माँ होती है ना, ये हमेशा चीज को ऐसे संभाल के रखती हैं कि इनको ही मिले। देखो वही होगी। मिल गई। तुम कौन हो और कहां से आई हो? क्या ये मेरे लिए है? वाह, ये कितनी सुंदर डॉल है। थैंक यू, मैं ऊपर ही रहती हूँ, तुम्हें सब खेलने आना। पापा माँ कब तक आएंगी? बेटा नानी की तबीयत अभी खराब है, एक दो दिन और लगेगा। ये चुटकी कहाँ गई है? वो नीचे खेल रही है। अच्छा ये लो, आ गई। कहाँ गई थी और इतनी देर का लगा दी? खेल रही थी नीचे। और ये डॉल कहाँ से आई? ये मेरी फ्रेंड ने दी है। बाहर से आई हो ना, जाकर पहले हाथ धो। प्रिया। हाँ पापा। बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर के मेन गेट को ठीक से बंद कर लेना, और देखो कोई भी मिलने आए उसको घर के अंदर मत बुलाना, बाहर से ही भेज देना, ठीक है? पापा पापा आप कुछ भूल रहे हैं। क्या बेटा? ये मास्क, अभी कोरोना गया नहीं है, जहाँ भी जाए मास्क लगा कर जाए, और भी मैं ना जाए हमेशा बात करते समय 6 फीट की दूरी बना कर रखे, और वैक्सीन भी जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। बाय पापा। बाय बेटा। तुम कब आई? तुम खेलोगी मेरे साथ? चलो अब अपन गुड़िया गुड़िया खेलती हैं। ये देखो ये हमारी प्यारी गुड़िया है, अब पहले हम इसको नहलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको नाश्ता करवाएंगे, फिर हम इसको बाहर घूमने ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको वापस से घर ले आएंगे, ठीक है ना?
किससे बातें कर रही हो? मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ खेलने आई है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अरे यहीं पर तो टेंट हाउस के अंदर बैठी है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेवकूफ बना रही थी मुझे। अरे अभी कौन आ गया? इस घर को छोड़कर भाग जाओ, जितनी जल्दी हो यहाँ से चली जाओ। इस घर में आत्मा का साया है। अंकल आप कौन? बेटा मेरा नाम मनोहर, तुमसे पहले मैं यहाँ रहता था। मेरे घर में भी तुम्हारी तरह एक प्यारी बिटिया थी जिसको उस आत्मा ने तड़पा तड़पा कर मार डाला, जिसके गम में मेरी पत्नी भी चल बसी। लेकिन हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब होगी, हाँ अब होगी। आपके घर में कोई डॉल तो नहीं आई? अगर कोई डॉल आई है तो उसे फेंक देना। हाँ उसे फेंक देना। ये सब बातें आप मेरे पापा को बताइए। हाँ तुम्हारे पापा को ही बताऊंगा, हाँ तुम्हारे पापा को ही बताऊंगा। सीधे सीधे बॉल फेंको, इधर उधर क्यों फेंक रही हो? अरे ये गेम वापस कैसे आ रही है? मेरी फ्रेंड है जो लौटा रही है। कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? यही तो है पलंग के नीचे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर भी कूह बना रही है मुझे। चलो बहुत खेल ली, खाना खा लो। चलो बंद करो खेल, अब खाना खाते हैं। हाँ पापा। बेटा आज मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों पापा? अरे वो राजेश अंकल है ना, उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा है, तो उनकी नाइट ड्यूटी मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर कल सुबह आ जाऊंगा। पापा के लिए डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मेन गेट का लॉक अच्छी तरह से लगा लेना और दोनों बहने एक साथ सो जाना। ठीक है पापा। और हाँ एक अंकल आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ आत्मा है। मैंने कहा पापा से बात करना। हाँ उनका फोन तो मेरे पास भी आया था, हमसे पहले वो यहीं रहते थे। उनकी बेटी बीमारी से नहीं रही, इससे बेचारे थोड़े से पागल से हो गए। बेटा जिस चीज से हम डरते हैं वो हमें और भी डराती है, लेकिन एक बार उसके सामने जाके खड़े हो जाए तो दुम दबा कर भाग जाती है। जी डरने की जरूरत नहीं है, लॉक सही से लगा लेना और दोनों बहनें एक साथ सो जाना। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। दीदी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है मैं थोड़ी देर पढ़ाई करके अभी आती हूँ।
इस घर को छोड़कर भाग जाओ, जितनी जल्दी हो यहां से चली जाओ। इस घर में आत्मा का साया है। आपके घर में कोई डॉल तो नहीं आई? अगर कोई डॉल आई है तो उसे फेंक देना।